नमस्कार बच्चों, आज मैं फिर आ गया आपका अपना कहानी चाचा। आज का दिन बहुत खास है बच्चों, आज है रंगों का त्योहार होली। तो आप सबको हैप्पी होली। तो आज हम इसी अवसर पर एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो होली पर ही बनी है या जिसकी वजह से हम होली का त्योहार मनाते हैं। यह है भक्त प्रहलाद की कहानी। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। तो बच्चों, एक समय एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने अपनी पूजा और तपस्या से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह ना ही मनुष्य द्वारा, ना जानवर द्वारा, ना दिन में ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना जमीन के ऊपर ना नीचे, कहीं भी मारा नहीं जा सकता। इस वरदान के बाद राजा हिरण्यकश्यप को घमंड हो गया था। वह कहने लग गया कि वही भगवान है और सभी को उसी की पूजा करनी चाहिए। अब उसी का पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और बहुत मन से पूजा किया करता था। हिरण्यकश्यप अपने बेटे से बहुत नाराज रहता था। वह चाहता था कि उसका पुत्र उसी की पूजा करे और किसी और भगवान की ना करे। तो बहुत कोशिशों के बाद भी राजा अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करने से रोक नहीं पाया। एक दिन राजा और उसकी बहन होलिका ने मिलकर एक योजना बनाई। दोनों ने मिलकर एक दिन शाम को एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। राजा की बहन होलिका को वरदान में एक जादुई चुन्नी मिली हुई थी जिसे ओढ़कर वह कभी जल नहीं सकती थी। योजना के मुताबिक होलिका यज्ञ में बैठ गई थी और वहीं प्रहलाद को उसने अपनी गोद में बिठा लिया। होलिका ने अपनी जादुई चुन्नी ओढ़ ली और वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु का नाम जपते हुए प्रहलाद होलिका की गोद में बैठ गया। परंतु अचंभा यह हुआ कि आग में होलिका जलकर मर गई और वहीं भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गए। कहते हैं कि इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को आधे आदमी और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर मार डाला, उनका वध कर दिया और इसी तरह बुराई पर अच्छाई की फिर से जीत हुई थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। इसलिए हमें भगवान पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए और इसी बुराई पर अच्छाई की जीत को याद दिलाने के लिए होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। तो बच्चों, आप सभी को हैप्पी होली। और हाँ, केमिकल वाले रंगों से होली मत खेलना, ओके? चलो अगली बार मिलेंगे। हैप्पी होली, एंजॉय योरसेल्फ, हैव फन, बाय बाय, टेक केयर।